अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। था जो हमारा जो हिस्ट्री का लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3, जो हमने मुस्लिम स्कॉलर्स और साइंटिस्ट के अबाउट पढ़ा था। हाफ हमारी बुक रीडिंग हो गई थी और आज हमारी नेक्स्ट हाफ बुक रीडिंग है। और आपने अपनी प्रीवियस बुक रीडिंग पर वर्ड्स मीनिंग नोट किए थे, उनको हाईलाइट किया था इस तरह से वर्ड्स को या नहीं किया था? अगर आपने वर्ड्स को हाईलाइट नहीं किया था तो काइंडली इनको हाईलाइट आप करें और इनके मीनिंग्स आप नोट करें। और बुक रीडिंग में आपके ये चैप्टर 3 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जो मुस्लिम साइंटिस्ट और फ़िलासफ़र्स और ट्रैवलर्स के अबाउट बताया गया है, ये सारी इनके अबाउट जो भी इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज हम पढ़ेंगे इब्ने सिना। इब्ने सिना की ये जो ब्रैकेट में डेट उन्होंने लिखी होती है, फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का होता है एंड सेकंड डेट ऑफ डेथ होती है। 9980 डेट ऑफ बर्थ है एंड 1037 डेट ऑफ डेथ है। अब दिस ग्रेट साइंटिस्ट वॉज बॉर्न अराउंड 980 इन द विलेज ऑफ अफशाना नियर बुखारा नाउ अजबेकिस्तान। यानी ये अफशाना के विलेज में, अफशाना के गांव में, अफगानिस्तान का जो गांव है वहां पे पैदा हुए, विच इज़ आल्सो हिज मदर्स होम टाउन, जो इनकी माँ का होम टाउन कहलाता था। हिज़ फादर अब्दुल्ला एंड एडवोकेट ऑफ द इस्माइली सेक्ट। उनके जो फादर थे इब्ने सिना के, वो एडवोकेट थे। एडवोकेट कौन होते हैं? यानी वकील को कहते हैं। वकील थे। वॉज फ्राम बर्थ नाउ अफगानिस्तान। और कहाँ के वकील थे? अफगानिस्तान के। इब्ने सिना रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन हिज होम टाउन। ही हैड मेमोराइज्ड कुरान बाय हार्ट, हाफिज़े कुरान। इब्ने सिना क्या कहलाते थे? हाफिज़े कुरान, क्योंकि उन्होंने कुरान को मेमोराइज्ड किया था बाय हार्ट, यानी दिल से उसको याद किया, उसको हिफ्ज किया था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू मुस्लिम ज्यूरिसप्रूडेंस, फिलासफी एंड नेचुरल साइंस एंड स्टडीड लॉजिक। और उन्होंने फ़िलासफ़ी पे, नेचुरल साइंस पे और लॉजिक पे स्टडी की थी। इब्ने सिनाज़ कॉन्ट्रीब्यूशंस रेंज फ्रॉम मेडिसन, साइकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी टू जियोलॉजी, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री एंड फ़िलासफ़ी। उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे, यानी उन्होंने किस किस सब्जेक्ट के लिए काम किया, यानी किस किस सब्जेक्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने वसत दी, तो वो थी मेडिसन, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किससे रिलेट करता है? यानी इंसान की नफ्सियात से। मेडिसन अद्वियात का। फार्माकोलॉजी क्या होता है? इल्म अद्वियात, यानी द साइंस और स्टडी ऑफ मेडिसन। जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या होता है? इल्म अर्जियात। ठीक है, ये जिस तरह से मेंशन भी मैंने किया हुआ है, जियोलॉजी क्या है? इल्म अर्जियात, यानी हिस्ट्री ऑफ दी अर्थ, यानी अर्थ की जो हिस्ट्री है उसके अबाउट है। और फिज़िक्स, फिज़िक्स तो आपको पता है कि 9th-10th में भी ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। एस्ट्रोनॉमी यानी सितारों से मुतालिक। केमिस्ट्री इल्मे, यानी इल्म तबियात, यानी केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, एटम्स के अबाउट, ठीक है, उसके अलावा। एंड फिलॉसफी, और फिलॉसफी यानी फ़लसफे के अबाउट। ही वाज आल्सो अ पोइट, वो एक शायर भी थे, इस्लामिक स्कॉलर एंड अ थियोलॉजियन। थियोलॉजियन कौन होते हैं? यानी दीनी अलूम जानने वाला, ठीक है। और हीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेडिकल साइंसिस वॉज हिज फेमस बुक अल कैनन, नोन एज द कैनन इन द वेस्ट। ठीक है, उनकी जो बुक थी, उर्दू में इसे अल कानून बोला जाता है, लेकिन वेस्ट में इसे कैनन बोला जाता है। दिस बुक इज़ एन इमेंस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग ओवर अ मिलियन वर्ड्स। यानी ये जो उनकी बुक थी, ये इंसाइक्लोपीडिया है जिसके ऊपर मेडिसिन के रिलेटेड मिलियन वर्ड्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ द एंटायर मेडिकल नॉलेज अवेलेबल फ्राम एंशियंट एंड मुस्लिम सोर्सेज। ही डाइड इन जून 1037 एंड वॉज बरीड इन हमदान इन ईरान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इब्ने खलदून। इब्ने खलदून की ये डेट ऑफ बर्थ है 1332 एंड डेट ऑफ डेथ है 1406। अबू ज़ियाद अब्दुलरहमान इब्ने मोहम्मद इब्ने खलदून अल हाथरामी वाज बॉर्न इन 1332। ही वाज अ नॉर्थ अफ्रीकन अरब हिस्टोग्राफर, हिस्टोरियोग्राफर एंड हिस्टोरियन। अब ये हिस्टोरियोग्राफर भी थे और हिस्टोरियन भी थे, यानी ये तारीख लिखते थे, तारीख के बारे में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। ही इज़ क्लेम्ड एज अ फॉरनर ऑफ द मॉडर्न सब्जेक्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड डेमोग्राफी। सोशियोलॉजी क्या होता है? यानी इल्म इमरानियात,
ठीक है। सोशियोलॉजी में क्या आता है, इल्मे इमरानियात और डेमोग्राफी यानी इल्मे शमारियात। डेमोग्राफी जो होता है वो सारा पॉपुलेशन से अबाउट होता है, आबादी को जब हम शुमार करते हैं उसके अबाउट होता है। हिज बेस्ट नॉन बुक द मुकदमा इन्फ्लुएंस्ड 17th century ऑटोमन हिस्टोरियंस हु यूज्ड द थ्योरीज फ्रॉम दिस बुक टू एनालाइज द ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। मोस्ट यूरोपियन स्कॉलर्स ऑफ द 19th century ऑल्सो एक्नॉलेज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बुक एंड कंसिडर्ड इब्ने खल्दून एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलासफर्स ऑफ द मिडल एजेस। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास, अगर हम देखें नेक्स्ट किसके अबाउट है, तो नेक्स्ट हमारे पास हैं अल-ख्वारिज़्मी। अल-ख्वारिज़्मी कौन थे, मोहम्मद इब्ने मूसा अल-ख्वारिज़्मी वाज अ पर्शियन मुस्लिम मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर एंड ज्योग्राफर ड्यूरिंग द पीक ऑफ द अब्बासिड्स कैलिफेट। यानी ये मैथमेटिशियन थे, यानी इल्म रियाजियात के बारे में बहुत जानते थे, एस्ट्रोनॉमर सितारों के अबाउट बहुत जानते थे, ज्योग्राफर जो क्या होता है ज़मीन, ग्राफर यानी ज़मीन के बारे में सारी स्टडी करने वाले। ड्यूरिंग द पीक ऑफ द एबिसिड कैलिफेट ही वाज अ स्कॉलर इन द एबिसिड्स वर्ल्ड फेमस बगदाद हाउस ऑफ विजडम। ही द रिनाउंड ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू रियलाइज द साइंटिफिक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। ही वाज बोर्न इन 780। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहे हैं वो हैं उमर अल खयाम। उमर अल खयाम कौन थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1048 एंड डेट ऑफ डेथ है 1131। फॉलोइंग द पाथ ऑफ अल ख्वारिज़्मी उमर खयाम वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर मुस्लिम मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ द मिडीवियल पीरियड। ही वाज अ पर्शियन मैथमेटिशियन फिलासफर एस्ट्रोनॉमर फिजिशियन एंड पोइट। और उमर खयाम वाज बॉर्न इन 1048 इन ईरान। उमर खयाम फुल नेम वाज ग्यातुल्दीन अब्दुल फतेह उमर इब्ने इब्राहिम अल निशापुरी अल खायमी। ही वाज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ टेंट मेकर्स। ही स्पेंट पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन द टाउन ऑफ बल्ख इन नॉर्थन अफगानिस्तान। खयाम वाज द मैथमेटिशियन हु नोटिस द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल बिनोमियल थ्योरम। खयाम वाज पार्ट ऑफ द पैनल डेट इंट्रोड्यूस सिविल रिफॉर्म्स टू द पर्शियन कैलेंडर। अब उन्होंने ज़्यादातर जो काम है वो मैथ्स पे किया, उसके अलावा उन्होंने जो है उसके डेसिमल जो है उसके अबाउट उन्होंने पावर ऑफ 10 के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अबाउट बताया। एंड उसके अलावा उन्होंने रिफॉर्म्स बहुत सारी इस्लाहात की किसमें, पर्शियन कैलेंडर में। इन 1079 दिस करेक्टेड कैलेंडर वाज एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियल पर्शियन कैलेंडर। ठीक है। खयाम्स पोएटिक वर्क रिसीव्ड सो मच एक्लेम डैट मोस्ट पीपल डू नॉट इवन 1004 लाइन वर्सेज और क्वाट्रीन्स इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। ही वाज इंट्रोड्यूस्ड थॉट द रुबायात ऑफ उमर खयाम। अब इंग्लिश में जो रुबायात यानी ये एक पोएम की फॉर्म में होता है, इसके अबाउट भी इन्होंने बहुत सारा इसके बारे में कॉन्ट्रीब्यूट किया। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा जी, ये स्कॉलर जो हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में कोई भी ऑब्जेक्टिव वगैरह का पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये लास्ट पे एक्सरसाइज पे दिए हुए हैं, ये आपके नोट्स में भी इंक्लूड हैं। तो जो नोट्स पे आंसर क्वेश्चंस हैं वही आप याद करोगे। और लास्ट पे यहाँ पे हमारे पास वोकैबुलरी है, ठीक है। तो वोकैबुलरी में जो वर्ड्स आते हैं आपने इनको हाईलाइट करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड था आपके पास कैलिफेट, और इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, आपने इनको हाईलाइट करना है और ये वोकैबुलरी वाले वर्ड्स भी आपने याद करने हैं, ठीक है। और अगर हम अपने नोट्स की तरफ आएँ तो नोट्स में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने हाफ याद किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 हेडिंग्स हैं, इब्ने सिना की और अल बेरूनी की। ये मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन जो है बुक रीडिंग में कंप्लीट करवा दिया है। अब आपने ये सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट क्वेश्चन आपने याद करना है, ठीक है। थैंक यू।